दुनिया में जितने भी बड़े टेलीस्कोप हैं, उनमें से हमारे भारत जो कि पुणे में स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT का अपग्रेड सिस्टम इतना शक्तिशाली होगा कि उससे काफी दूर अंतरिक्ष में स्थित उन छोटे से ऑब्जेक्ट को भी देखा जा सकेगा। और यह बातें GMRT ऑब्जर्वेटरी के डीन और सीनियर प्रोफेसर यशवंत गुप्ता ने कही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस द्वारा हुए एक कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर यशवंत ने कहा, इस साल के अंत तक GMRT की क्षमता 3 गुनी बढ़ जाएगी, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में हो रही घटनाओं, सवालों को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास यूनिवर्स की अधिक डिटेल और डेटा होगा। और कहा कि नासा के टेलीस्कोप द्वारा पृथ्वी के आकार के 7 ग्रहों का पता चलने की घटना के बाद उम्मीद है कि ऐसे ग्रहों का भी पता चल सके। गैलेक्सी में सूर्य के आकार के लाखों तारे हैं और शक्तिशाली ट्रांसमीटर्स तथा रिसीवर्स के माध्यम से हम इन ग्रहों के साथ संचार स्थापित करने में सफल हो सकेंगे। 1995 में बने GMRT में 30 टेलीस्कोप हैं, जो स्पेस की तरफ से आ रहे रेडिएशन को रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में ऑब्जर्व करने का काम करता है। प्रोफेसर यशवंत ने बताया कि एंटीना के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बदला जा रहा है, जहां डाटा रिसीवर के माध्यम से एकत्रित होते हैं। भारत और विदेश में एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग गैलेक्सी, ब्लैक होल, हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट और अरबों प्रकाश वर्ष दूर हो रही घटनाओं की स्टडी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।